Assalamu alaikum. My name is Nateem Dar. I'm a retired major from Pakistan Army. I'm from 65th Indian Long Course, GC4. My message is just for General Bajwa. आज कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस, मैं उसको फैसला नहीं कहूँगा, कोर्ट की डिक्टेशन गवर्नमेंट के लिए कि वो करप्ट पॉलिटिकल माफिया ट्रेटर्स को सपोर्ट करे और लेट देम टू वोट एंड मेक द गवर्नमेंट. क्या हम अपनी जाने या खून इसलिए निछावर करते हैं कि ये करप्ट माफिया हमारे ऊपर आए और हम इनको सल्यूट करें? कोर्ट को और कोर्ट के जजेस के लिए मैं ओपनली कहता हूँ, उनको शर्म, कोई थोड़ी सी हया नहीं है उनको ये फैसला करते हुए. उनको टीवी पे ये नजर आया कि स्पीकर ने गलत रूलिंग दी है. क्या उनको टीवी पे ये नजर नहीं आया कि पार्लियामेंट के लोग सिंध हाउस के अंदर बिक रहे थे, पैसे दे रहे थे, अमरीकियों से मुलाकातें कर रहे हैं? अब बताइए, मरियम जो सजा याफ्ता है उसको एक यूएसए का औरत मिल रही है किस खाते में? क्या वो हमारी लीडर रही है या वो गवर्नमेंट मुलाजम है? एक करप्ट औरत है. उसके बाद जो इसका जरदारी का बेटा अमेरिका में जाकर किस किस को मिल रहा है, हमें तो आज तक ये खुदा की कसम शर्म आती कि ऐसे लोगों को लीडर कहते हुए. हम एक पीएम रखने के लिए एक सीवी लेते हैं और ऐसे लोगों को, ये जो करप्ट है, ये बाय गॉड पैसों से, मैं तो 4 साल ऑपरेट किया है सिंध के अंदर, मुझे पता है कि सब माफिया है. जनरल बाजवा, मैं आपको इंस्टिगेट नहीं कर रहा, आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू, ये गैरत का मसला है. हम क्या हम सिर्फ इसी तरह ही चलते रहेंगे, इन करप्ट लोगों को मिलते रहेंगे? बार काउंसिल्स के अंदर करप्ट लोग बैठे, पॉलिटिसाइज्ड हैं, जजेस हैं पॉलिटिसाइज्ड हैं. वी नीड टू किक देम आउट. वी नीड अ न्यू जुडिशियल सिस्टम और प्रॉपर, और जो भी पार्लियामेंट का बंदा वोट लेके आना चाहता है उसकी भी कोई ना लेवल होना चाहिए. अगर पीएम को सिलेक्ट करते हम इतना कुछ करते हैं तो क्या हम अपने लीडर बनाते हुए इनको नहीं चुन सकते? हमें अपनी आवाम को बताना चाहिए, हमें इसके लिए कुछ काम करना चाहिए. ये सिस्टम ऐसे नहीं चलेगा. खुदा के लिए जनरल बाजवा, खुदा के लिए टेक ओवर. मैं आपको ये इंस्टिगेट फिर नहीं कर रहा, क्यों टेक ओवर की बात कर रहा हूँ. आज हमारा मुल्क जो है बिक चुका है, खुदा की कसम बिक चुका है, और बहुत दर्द होती है. आप देखिए मेरी हालत, ये देखिए मैं कहाँ पे बैठा हूँ, मेरी क्या हालत है. क्यों मैं अपने मुल्क के लिए जान देने के लिए तैयार था, हूँ और रहूंगा. मैं ये मेरे मुल्क के लिए अगर मैं मजदूर हो गया हूँ तो ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ये मेरे लिए फखर का मकाम है. वो जो लोग शहीद हो गए हैं, जो डेली माएं अपने बच्चों को शहादत में रिसीव करती हैं, क्या इन बगैरतों के लिए करती हैं? तो खुदा के लिए डोंट फील फियर. आप बहादुर आदमी हैं, टेक स्टेप. हम सब कौम पूरी आपके साथ हैं. और आपको ये बता दूं, इमरान खान, खुदा की कसम, मैं कसम उठा सकता हूं कि एक वाहिद कायदे आज़म के बाद अगर हमें कोई लीडर मिला है ईमानदार, वही, और वो हमें गुलामी से आजादी दिला रहा है. हम बरतानिया की गुलामी से निकल के अमेरिका की गुलामी में चले गए. ठीक है, जो कुछ भी है, अगर अमेरिका ने हमारी हेल्प की है तो हमने उसके रिटर्न 90,000 जिंदगियां दी हैं, 90,000. उनके पास असला जरूर होगा लेकिन लड़ने की कोई किसी किस्म की जरूरत नहीं है उनके अंदर. और आज मेरा दिल बोल रहा है. और अभी फजल रहमान, खुदा की कसम, एक बदबूदार, एक वाइल्ड एनिमल से वर्स्ट, जो इस्लाम को बदनाम कर रहा है, इस्लाम का नाम लेकर और लोगों को बेवकूफ बना रहा है, वो एक सही मन में यहूदियों का एजेंट है. मैं तो यहाँ पे बाहर बैठा हूँ, मुझे हर चीज का पता चलता है कि यहाँ क्या हो रहा है, ये सारा बकाऊ माल है. तो खुदा के लिए कुछ करे. मैं इमरान खान से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जनरल बाजवा का साथ दें और हमने मिलकर ये फाइट करनी है. We have to make Pakistan as an independent state. खुदा हाफिज़.